ये बड़ा कीमती है। एक वृत्तांत भी मैं आपको छोटा सा बताऊंगा। सभी मेरे बच्चों से निवेदन है, वो ध्यान से सुने। जीवन की पुस्तक में से बीते हुए कल वाला पन्ना पलटा जा चुका है। बच्चों, जीवन की पुस्तक में से बीते हुए कल वाला पन्ना पलटा जा चुका है और भविष्य का पन्ना कोरा है और आज का पन्ना लिखा जाना है। इसलिए आज इस पन्ने पर हम जो लिखें वो अच्छा लिखें, सुंदर लिखें, क्योंकि उसको फिर कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो नशा करते हैं वो कैसे अच्छा लिख सकते हैं और कैसे वो अच्छी सोच रख सकते हैं, तो वो तो जीवन में अधूरे ही हैं जो नशा करते हैं। तो नौजवान मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बच्चों, एक बार दो लड़के हैं, दो छात्र हैं जो बहुत ही आपस में समझदार हैं दोनों ही। एक कहता है कि मैं समझदार हूँ और दूसरा कहता है कि मैं तेज ज़्यादा समझदार हूँ। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक चिड़िया के बच्चे को लिया, सभी जानते हैं चिड़िया के बच्चे, हाथ में लिया और ऐसे खड़ा हो गया और दूसरे बच्चे से बोला कि बता कि जो मेरे हाथ में बच्चा है चिड़िया का, ये मरा हुआ है या जिंदा है। और मने मन में यह सोचने लगा कि यदि इसने कह दिया कि ये जिंदा है तो इसे मैं उड़ा के दिखा दूंगा, और यदि इसने ये कह दिया कि ये जिंदा है तो मैं इसकी गिट्टी से पहुँच के नीचे डाल दूंगा, यानी कि उसको मार दूंगा। तो उसमें थोड़ा सा बस गिट्टी सी पहुँचनी होती है, मर जाता है। यदि उसने कह दिया कि ये मरा हुआ है तो मैं इसे आकाश में उड़ा के दिखा दूंगा, तो कोई मैं जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, ये जीत नहीं सकता। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मेरे भाई, तू जो मुझे पूछता है इसका जीवन तो क्या, तेरा जीवन भी तेरे हाथों में है, इसे मिट्टी में मिला या इसे आकाश में मिला। कहने का मेरा भाव ये है कि जो हमारा जीवन है ये हमारे हाथों में है, हम इसको जैसा मर्जी आगे जीवन की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं या नशी लत में पड़ करके हम इसको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो हमें तय करना है कि हमने जीवन को बचाना है या बर्बाद करना है। तो सभी से मेरा यह निवेदन है कि हम जिंदगी में कभी भी नशा ना करें। अनेक शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा के बारे में अनेक हमें परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। उस लत में पढ़ के हम सोचते हैं कि हम परेशानियों से बच जाएंगे, यह भी हमारी सोच गलत है। एक वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ।